हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RCIHUF केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे हमने बात की थी यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में, तीन चार टॉपिक थे हमारे पास में। सबसे पहले हमने जो बात की थी यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेट की बात की थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात की थी हमने, और रिलेशन इन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड स्टोइकोमेट्रिक हमने बात की थी यहाँ पर। उसके बाद हम क्वेश्चन अप्लाई करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है कि ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दी गई है, रिएक्शन क्या है, आर से पी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर इट इज ऑब्जर्व दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, कितने से कितने जा रही है, 0.5 से 0.2 में जा रही है, डिक्रीज हो रही है। कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, 30 मिनट, जो रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज होने में यहाँ पर 30 मिनट्स लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट इन मिनट्स एंड सेकंड। क्या हमें एवरेज रेट यहाँ पर कैलकुलेट करना है मिनट और सेकंड। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आर एवरेज कैलकुलेट करवा रहा है, तो हम एक रिएक्शन लिखते हैं, आर से कहाँ ला रही है, टी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि टी बराबर 0 सेकंड पर इसकी जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो कंसेंट्रेशन कितनी होगी आपके पास में, 0.5 मोल लीटर इनवर्स, और ये 0.5 से रिड्यूस होकर कितना हो जाती है, 0.2 मोल लीटर इनवर्स। कितने टाइम में होती है यहाँ पर, 30 मिनट्स में होती है आपके पास में, कितने मिनट में होती है, 30 मिनट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारे पास में आ जाएगा चेंज इन कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास में डेल आर जो होगा वो कितना आ जाएगा, R2 - R1, और यहाँ पर ये हमारे पास में क्या जाएगा, डेल टी कितना आ जाएगा, T2 - T1। अब आर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आर एवरेज का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। ये सर जी हमारे पास में चेंज इन कंसेंट्रेशन कितनी होगी, और यहाँ पर चेंज इन कंसेंट्रेशन के दौरान टाइम टेकन चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए पूछ रहा है आपके पास, ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रिएक्टेंट की रेट क्या होगी। तो ये जो माइनस साइन है ये रिएक्टेंट की डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रोडक्ट की इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, आर एवरेज इक्वल माइनस क्या जाएगा, डेल आर अपॉन डेल टी। अब यहाँ पर डेल आर तो आप निकालेंगे, यहाँ पर कंसेंट्रेशन जो आप यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस R2 - R1 अपॉन T2 - T1। अब आपको देखो ये जो दिया गया है इस पर हम बोल सकते हैं R1, और ये क्या हो जाएगी, R2 कितना दिया है हमारे पास में, ये दिया 0.2, ये माइनस का साइन हुआ, माइनस 0.5 अपॉन T2 - T1। यहाँ पर जो टाइम इंटरवल दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 30 मिनट्स दिए हुए आपको, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे, आंसर आएंगे हमारे पास में इसको इसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएंगे प्लस 0.3 अपॉन 30, और जब इसको ओवरऑल हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आएंगे, इसको जब हम ओवरऑल सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये हमारे पास क्या जाएगी, आर आ जाएगी, रेट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें बोला कि ये जो आर एवरेज आप कैलकुलेट कर रहे हो ये मिनट के साथ साथ किसके में करना है, सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको सेकंड में कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बात यहाँ पर मिनट दिए हैं, और आपको पता है एक मिनट बराबर में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, एक सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएंगे आपके पास में। कुछ भी नहीं करना है, ये तो आपके पास में रेट आ गई है, ये तो आपके पास में रेट आई है आर 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में आई है, और हमें इसको किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो हम कर देंगे आर 10 की पावर -2 अपॉन 60, कितने से डिवाइड कर देंगे, 60 से, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएंगे,
वन अपॉन थ्री इंटू टेन के पावर माइनस थ्री। और बच्चों अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आएंगे 3.33 इंटू टेन के पावर माइनस फोर मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमारे पास में आंसर हो जाएंगे सेकेंड में। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में सेकेंड में, और ये जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में मिनट में। वापस से देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें आर एवरेज कैलकुलेट करनी है, और किसी कैलकुलेट करनी है रिएक्टेंट, और यहाँ पर जो हमारे पास में कंसंट्रेशन जो हो रही है वो 0.5 से 0.2 में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट्स का लग रहा है। तो यहाँ पर टाइम आपके पास में 30 मिनट्स का लग रहा है, तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस में इनिशियल, ये तो हो जाएगी आपके पास में आर मिनट्स में। और अब बात करें किसी सेकंड्स में, जब सेकंड्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको 60 से डिवाइड करना है, बस ये आ जाएगा आपके पास में आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है आपके पास में, ये बोल रहा है इन द रिएक्शन एक्स प्लस वाई कन्वर्ट हो रहा है टू जेड द रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये बोल रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन जेड, किसकी फॉर्मेशन की रेट दिया हुआ है जेड की, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट क्या हो रहा है फॉर्मेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज हो रहा है आपके पास में, तो ये आपके पास में आ जाएगा डिक्रीजिंग किया जाएगा फॉर्मेशन में। व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयर, ये बोल रहा है रिड्यूस बोल सकता है, डिक्रीज बोल सकता है, डिसअपीयर बोल सकता है ऑफ वाई, कि वाई जो होगा इसके डिसअपीयर होने की रेट क्या होगी। तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, आपको ध्यान हो मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशन इन बिटवीन रेट एंड स्टोइकोमेट्री, और वहां पर मैंने बोला था कि माइनस वन अपॉन एन वन डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल माइनस वन अपॉन एन टू डेल बी अपॉन डेल टी प्लस वन अपॉन एन थ्री डेल सी अपॉन डेल टी इक्वल प्लस वन अपॉन एन फोर डेल डी अपॉन डेल टी। ये क्वेश्चन वहां से सोल्व होगा सर कैसे, हम देखते हैं हमारे पास जो रिएक्शन हो क्या दी हुई है एक्स प्लस वाई कन्वर्ट हो रहा है टू जेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में एन वन कितना है वन, यहाँ पर एन कितना है वन, और एन थ्री कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं स्टूडेंट, बोलेंगे क्या बोलेंगे वन अपॉन वन डेल एक्स अपॉन डेल टी माइनस वन अपॉन वन डेल वाई अपॉन डेल टी प्लस वन अपॉन टू डेल जेड अपॉन डेल टी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है फॉर्मेशन ओ जेड, कि आपको जेड के फॉर्मेशन की क्या दी गई है रेट दी गई है, मतलब कि आपको दिया गया है प्लस डेल जेड अपॉन डेल टी, क्या दिया गया आपको यहाँ पर, ये दिया हुआ है आपको कि प्लस डेल जेड अपॉन डेल टी, ये दी गई आपको टेन की पावर माइनस टू मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, बोल रहा है डिसअपीयर ऑफ वाई आपको कैलकुलेट करना है माइनस डेल वाई अपॉन डेल टी, ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, सवाल सोल्व। माइनस डेल वाई अपॉन डेल टी को किसके इक्वल कर देंगे वन अपॉन टू डेल जेड अपॉन डेल टी, तो हमारे पास में आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू टेन की पावर माइनस में टू, ये बच्चों आपके पास में आंसर हो जाएंगे। अगर इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने हमारे पास आंसर आएंगे 5 इंटू टेन की पावर माइनस 3 मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास में y के डिसअपीयर होने की रेट आ जाएगी, किसके डिसअपीयर होने की रेट आ जाएगी, डिसअपीयर रेट ऑफ y, ठीक है बच्चों। अब ये जो आपके पास में दिया हुआ है ये हो जाएगा डिसअपीयर रेट जो होगी x की, वो इसके इक्वल हो जाएगी आपके पास में, दोनों आंसर क्या जाएगा सेम आ जाएगा, ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास में सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन द रिएक्शन 2a कन्वर्ट हो रहा है b प्लस 4c द कंसंट्रेशन ऑफ c इज इंक्रीज, हम यहां लिख रहे हैं
कि C की जो कंसंट्रेशन हो रहा है वो इंक्रीज हो रही है कितने से, 2×10^-2 मोल लीटर इनवर्ट, और कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, मतलब कि C के फॉर्मेशन की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, रेट कैलकुलेट करनी है, एंड साथ के साथ हमें रेट ऑफ विच A डिसअपीयर है, एक की रेट भी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन इन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड स्टोइकोमेट्री, सबसे पहले लिख देंगे हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है बच्चों, वो रिएक्शन क्या है, वो दी गई है 2A+B कन्वर्ट हो रहा है 4C, और हम रिलेशन इन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1/2 ∂A/∂t इक्वल होगा -1/1 ∂B/∂t +1/4 ∂C/∂t। तो ये क्या हो जाएगा क्लास में, ये जो माइनस होगा -∂A/∂t ये तो हो जाएगा A के डिसअपीयर होने की रेट, -∂B/∂t हो जाएगा B के डिसअपीयर होने की रेट, और प्लस ∂C/∂t हो जाएगा C के फॉर्मेशन की रेट। हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, देखो हमें कैलकुलेट करना है एक तो C के फॉर्मेशन की रेट, और एक कैलकुलेट करना है A के डिसअपीयर की रेट। और हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ पर डाटा क्या गिवन है, हमें यहाँ पर C जो दिया गया है, यहाँ हमें क्या दिया गया है, C जो होगा इसकी जो कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास में कितनी इंक्रीज हो रही है, 2×10^-2 मोल लीटर इनवर्स, कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिखेंगे R एवरेज प्लस, क्योंकि हम कंसंट्रेशन किसकी, देखो यहाँ पर हम जो रेट निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं, हम प्रोडक्ट की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, 1/4 ∂C/∂t और C जो इंक्रीज हो रही है कितनी हो रही है, 2×10^-2 देखो ये क्या हो जाएगा पास में, डेल सी, और ये क्या हो जाएगा पास में, डेल टी। तो यहाँ पर लिखते हैं +1/4 × यहाँ पर आ जाएगा 2×10^-2 मोल लीटर इनवर्स, और टाइम किसमें दिया हुआ आपको पास में, 10 सेकंड में, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 2×4, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा 10^-3, इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो R जो फॉर्मेशन की प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की जो रेट आएगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, 5×10^-4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी को हम आगे सोल्व कर लेंगे कि सर जी यहाँ पर हमारे पास में देखो ये 10 ऊपर जाएगा तो 10^-3 हो जाएगा, और 1/2 को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5×10^-4। ये तो R के फॉर्मेशन की रेट हो गई, P के फॉर्मेशन की रेट हो गई। तो यहाँ पर जो P दिया था हमारे पास वो क्या था, C, तो मैं लिखूंगा C के फॉर्मेशन की रेट, और हमें कैलकुलेट क्या करना है साथ में, रेट एट विच A डिसअपीयर, A कितना डिसअपीयर हो रहा है, तो लगा दो फॉर्मूला यहाँ से, इसको इसके इक्वल रख देंगे, क्या लगाएंगे, -1/2 ∂A/∂t इक्वल हो जाएगा 1/4 ∂C/∂t, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, -∂A/∂t इसको बोलते हैं A के डिसअपीयर होने की रेट, तो ये दो किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2/4, और ये कितना दिया हुआ है, 1/2 ∂C/∂t, ये दिया हुआ है हमें 2×10^-2/10, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या निकल के आएंगे, आप देख सकते हैं सामने, तो देखना यहाँ पर हमारे पास में जो होगा ये हो जाएगा 2×10^-2, और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड, ये तो ये हो गया, और यहाँ पर बोलेंगे 1/4, ये 2 किधर चला जाएगा, इधर, तो दो दोनों कितने होते हैं, 4 से 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आंसर आ जाएंगे 1/2 ∂t, A के डिसअपीयर रेट को कितनी आएगी, 10^-3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, ये आ जाएगी A के डिसअपीयर होने की रेट, ठीक है बच्चों। वापस से देखते हैं स्टूडेंट,
आपके पास में क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिलेशन इन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड स्टोइकोमेट्री, यहाँ पर आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको जहाँ माइनस दिखे वो तो डिसअपीयर रेट हो जाएगी, मतलब कि रिएक्टेंट की रेट हो जाएगी, और जहाँ पर प्लस दिख रहा है वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट हो जाएगी, क्योंकि पासिंग द टाइम रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।